आपको इडली और सांभर बता रही हूँ। ये सूजी की इडली होती है जो कि बहुत हल्की और अच्छी पौष्टिक होती है, और अभी जैसे लॉकडाउन की स्थिति में आपके घर में सब सामान मिल भी जाता है। तो ये एक कप है, ये सूजी ले रखा है, एक कप दही ले रखा है मैंने, और ये सांभर के लिए दाल आपको है, ये आपकी एक कप दाल भिगो रखी है, और सांभर के लिए ये आपको सब्जी डालते हैं अगर पसंद करते हैं, नहीं तो बच्चे नहीं डाले तो कोई वो नहीं है। ये आधी लौकी, टमाटर, प्याज और ये बीन्स और हरी मिर्च, ये सांभर के लिए। ये मैंने 2 कप सूजी में 1 कप दही डाल के इसको भिगो दिया है, और इसमें 1 चम्मच आपका नमक डलेगा ताकि ये खमीर उठ जाएगा, और इसको 3-4 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि इसमें यीस्ट उठ जाए और आपकी इडली अच्छी स्पंजी बने। इडली का स्टैंड आता है, इसमें भी पानी रख दिया है ताकि स्टीम बने। इसको गर्म करेंगे जब तक, इसके बाद जो ये सांचा है इसमें हम जब से ऑयल लगा देंगे ताकि इडली इसमें चिपके नहीं। और ये हमारा इडली का घोल है, इसके अंदर ये आपकी इडली है, इसमें हल्का सा 1 चम्मच चीनी डाली है और थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल, और ये खाने का सोडा है, ये डालेंगे हम 1/4 चम्मच, और इसको अच्छे से मैश करेंगे। ज़्यादा सोडा डालने से इडली लाल हो जाती है, इसलिए सोडा हमेशा कम ही डालें। अगर सोडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इनो के पाउच, इनो का ये पाउच है, ये भी एक आप इसमें डाल सकते हैं। ये सारे घोल में नहीं डालना है, ये आपको थोड़ा सा अलग बैटर करके इसका और फिर डालना है। अब ये हम इसके अंदर ये डालेंगे, देखिए इसका बिल्कुल ये पकौड़ी वाला जो घोल होता है, ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल अच्छी इडली बनेगी स्पंजी। और ये खमीर भी उठ चुका है, इसमें दिन में 2-3 घंटे भिगोने से इसमें अच्छी खमीर उठ जाता है, और ये अच्छी और बहुत सुंदर और अच्छी इडली बनती है। ये देखिए स्टीम हो गई है इसके अंदर, अब हम इसमें ये स्टैंड है इसको ऐसे रखेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें हो जाए, प्रॉपर ढंग से बन जाएगी। अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए इसको ढक के फिर रख देंगे। इसके बाद हम सांभर की तैयारी करेंगे। मैंने दाल, जो तुअर की दाल ले रखी थी, उसको भिगो के इसमें लौकी, बीन्स और टमाटर, प्याज डाल के उबाल के रख लिया, हल्दी नमक डाल के ये तैयार है हमारी। अब मैंने ये ऑयल रखा है, ये ऑयल डालेंगे इसमें, 1 चम्मच आप ऑयल डाल लीजिए। आप चाहें तो दाल को घी में भी खा सकते हैं, घी से इसका टेस्ट अलग सा आता है, तो वो आपकी इच्छा है कि आप घी ऐड करें या ऑयल ऐड करें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये देखें ये हींग डाली मैंने, ये तेज पत्ता डाला है, ये जीरा है 1 चम्मच, राई डाली है, ये इससे इसका टेस्ट, और नीम के पत्ते हैं तो वो डाले जाते हैं। ये मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना रखा है, ये देखिए ये डाला मैंने आपके सामने, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने से इसमें खुशबू अच्छी आती है। इसके बाद हमने ये चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्ची है इसके अंदर डाल दी थी, ये डाल दी है, इसको हमने ऐसे फ्राई कर लिया है, और ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा तब तक इसको सेक लेंगे। ये गोल्डन हो गए हैं हमारे प्याज, अब इसमें हम ये ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर एक ही डालिएगा, टमाटर एक ही डालिएगा क्योंकि इसमें ये इमली का पल्प निकाला है, ये भी डालेंगे जिससे कि हमारे जो सांभर है वो अच्छी सी खट्टी मीठी लगेगी। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। इसके बाद हम 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक हमने ऑलरेडी पहले भी डाल रखा है, इसे थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, वो भी स्वाद के अनुसार आप जैसा खाते हैं उसके हिसाब से, मिर्ची भी अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। कई लोग स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप उसमें और दाल उसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमने इमली का पल्प है ये इसमें डाल दिया है, तो इसको तेज कर देंगे मिर्च को ताकि ये सिक जाए, अच्छे से भून जाए मसाला अच्छे से। अब इसमें हमने ये सांभर मसाला आता है बाजार में बना हुआ, वो उस पर हमने
दो चम्मच ऐड कर दिया है। इससे सांभर की खुशबू आती आता है, तो घर में भी बना सकते हैं, पर ये NDH का या जो भी कंपनी का मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारा ये तैयार हो गया है मसाला, जिसमें हम अपने सांभर जो है वो डालेंगे, ऐड करेंगे इसके अंदर। ये हमारी सांभर है, इसके अंदर हमने इसमें एक गिलास पानी और डाला है, क्योंकि सांभर पतली अच्छी लगती है, और वो भी इडली के साथ सांभर थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। और हम इसको सिम कर देंगे इसकी तो मीडियम इस पर, और ये अब हमारी सांभर उबलेगी। सांभर जितनी ज़्यादा बॉयल होगी उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा इसका। 10-15 मिनट तक इसको बॉयल करना है सिम पे, और उसके बाद फिर हम इसमें ये हमारी सांभर तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी इडली तैयार हो गई है स्पंजी, और ये निकालने के बाद ये ऐसी लगती है एकदम, देखिए कितनी स्पंजी है। इसको हम ऐसे करेंगे तो इसमें जालियाँ आती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है सांभर के साथ, या आप इसको खम्बन के रूप में भी छोंक सकते हैं। ये देखिए ये हमारी सांभर को बागे हमने 20-25 मिनट के लिए। ये देखिए ये इतनी ही पतली होनी चाहिए, और इसकी स्वाद और खुशबू इसमें बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये देखिए ये हमारे सांभर तैयार है, इसको हमने गार्निश कर लिया है, और ये इडली है, ये टेस्ट में और स्वाद में बहुत अच्छी है।